अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो यहाँ पे जी नया बैग लेकर आए हैं और मैंने कहा थोड़ी सी मॉडलिंग कर लें बैग पहन के। तो ये देखें, ये बैग की फुल लुक है और ये मैं पहन कर आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखेंगे व्लॉग जो है वो बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है और मैं रात को ये सारी तैयारियाँ करके जो है वो रख रही हूँ। तो देखते हैं जी, एक्साइटमेंट चेक कर लें, बच्चों की एक्साइटमेंट, मेरी एक्साइटमेंट चेक कर लें। तो आज चलते हैं तैयारियों की तरफ। और मैंने यहाँ पे बच्चों के कपड़ों के पेयर पेयर बना कर मैंने रख लिए हैं। ये देखिए, ये है एक पेयर, ये वाला है, और इधर इस ये ब्लैक के साथ है, इसका शर्ट ऊपर ब्लैक पैंट है। ये मेरा सूट है, ये सतरंगी का उतारू मुझे। अच्छा, सबसे पहले इसकी हम डिटेलिंग चेक करें। ये देखते हैं इसका गला कितना अच्छा बना हुआ है। मेरे ना सीधा हाथ से याद नहीं आ रहा। ये देखिए इसका गला इतना अच्छा बना हुआ है। और इसकी ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि ये डीप नहीं है, बहुत अच्छा है। और ये इसकी प्राइस है, फोकस नहीं कर रहा, हो गया। ये इसकी प्राइस है। अच्छा, इसका मैं दुपट्टा दिखाती हूँ। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है। ये टैसल्स लगे, अच्छा इसके बाजू ये बटन लगे हुए हैं और यहाँ पे पिनटैक्स डाली हुई है उन्होंने, छोटी छोटी बारीक सी, बड़ी खूबसूरत लग रही है। और यहाँ पे ये बटन, इसके बाजू बैक भी दिखो। अच्छा, तो ये जी मेरे सूट की जो है वो मुकम्मल लुक है जो मैंने आपको दिखाई है। इसका स्टाइल बहुत ज़्यादा प्यारा है, सिंपल एंड डिसेंट सा ये सूट है। और प्रिंट इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये बनंजा सतरंगी से जो है वो हमने आउटलेट से जाकर परचेज़ किया था। हेलो कर दो। हेलो गाइस। चलो चलो प्यारी मम्मा, हाँ प्यारी मम्मा के चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बोलो इधर मेरे तरफ देखो ना, लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। नूर फातिमा का जो है ये ऑर्गेन्जा पे सूट बना हुआ है। ऑर्गेन्जा से ये मैंने खुद जो है वो स्टिच करवाया था। और ये नीचे जो है वो मैंने इसके लॉन का फैब्रिक जो है वो लगाया हुआ है। और ये बड़ा कम्फर्टेबल है। और मौसम भी काफ़ी जो है वो चेंज हो गया था। पिछली भी एक दो वीडियोस में इसने ये सूट पहना हुआ है, क्योंकि ईद पे जो है मैंने इसको तैयार करवाया था। उसके बाद कहीं भी या कोई भी इवेंट इस तरह का हो जहाँ पे ये मौके की मुनासिबत से पहना जाए तो ये पहन लेती है। तो ये सुबह के इवेंट के लिए जो है इसने चूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ रह गई है, रुको, मैं जूता रह गया, फातिमा का न्यू लाई थी वो मैं कहती भाई, मेरे से ना उलट पलट हो गया है। तो ये फातिमा की पसंद से जूता था ये। हाँ, ये फातिमा का जूता है। और ये लगा है? कमेंट में आपने बताया है पिंक फ्रॉक के साथ कैसा लगी है ये। अच्छा लगेगा, स्टनिंग लगेगा। अब मैं कपड़े वगैरह मैंने तैयार कर लिए हैं। अब मैं बैग की जो है वो तैयारी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो है वो इसमें रखूँगी मैं अपने ये मेरे पैसे वगैरह, और इसमें मेरा एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड मैंने रखा हुआ है इसमें। तो सबसे पहला मैं ये जो है ना इसमें रखूँगी, और मैं इसमें जिप में डाल के रखूँगी इसको ना, ताकि ये अच्छे से सेव हो जाए। अच्छा, ये बैग बड़ा अच्छा है, न्यू लिया है, बहुत अच्छा है। और इसमें ना स्पेस भी इसमें काफ़ी है। यहाँ पे बच्चों की खाने पीने की चीज़ें जो एक भी होंगी वो भी आ जाएंगी। और ये ज़िपर भी है, और ये काफ़ी बड़ा ज़िपर है, इसमें
जो मर्जी आप डाल दें। अच्छा, ये एक ना स्पेशल बैग है और इसमें एक वैनिटी उन्होंने दी हुई है, आप आराम से इसमें अपना मेकअप जितना भी आप अपना स्टोर करना चाहें इसमें कर सकते हैं, और इसमें आप मेकअप स्टोर करके इसको यहाँ से जिप जो है, इस वजह से ये मुझे बैग इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि इसका ये वाला पोर्शन बिल्कुल ही अलहदा है, और एक मेकअप वगैरह रखने से जो बैग के अंदर जो सरफेस सारी उसकी गंदी हो जाती है, बेसिस जो है वो बिखर जाती हैं, और फेस पाउडर अक्सर बाहर निकल के गिरा हुआ होता है, और सारे पैसे हर चीज़ उसमें भरी हुई होती है, तो ये इसमें जो है ना वो ये कमाल की चीज़ है इसमें नहीं होगी, और इस वजह से मुझे ये बैग जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब मैं इसमें जो है ना वो अपना मेकअप का सामान जो है वो रखने लगी। लिपस्टिक वगैरह मैंने निकाल के रख ली है, और यहाँ पे लिपस्टिक का मेरे पास दो तीन जो है वो मैंने निकाली हैं, सारी नहीं मैंने निकाली, जो मुझे चाहिए होंगी वो मैं सुबह के लिए देख लेती हूँ, जो मेरे सूट के साथ जो है वो अच्छी लगेगी, और साथ साथ जो है वो आपको कलर भी दिखा देती हूँ, इसके स्वेचेस भी आपको साथ साथ करके बता देती हूँ। ये देखिए, ठीक है हाँ, और ये स्टाइल इसका बना हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ का दूसरा कलर देख लेते हैं। अच्छा, ये लाइट पिंक है, सारे मेरे पास ना लाइट लाइट शेड्स हैं और अच्छे हैं, ये इसको ऐसे करके ये भी रख लेते हैं, और ये भी, ये तकरीबन सेम ही है, ये भी नहीं मुझे चाहिए। अच्छा, जो मुझे नहीं ना चाहिए उसको मैं साइड पे कर लूँगी, मुझे सुबह के लिए जो ज़रूरत है ना बस मैं वो देखूँगी। और ये तो बिल्कुल ही पटाखा रेड कलर है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरे सूट के साथ भी नहीं जाएगा, और इवेंट के हिसाब से ही जो है ना वो तैयारी करनी पड़ती है, और ये पिंक लिपस्टिक है ये भी नहीं जाएगी। स्टार्ट। अच्छा, ये एक बीबी क्रीम है जो मुझे ज़रूरत है, कोई बात नहीं, धमाका हो होते ही रहता है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, ये दो मुझे कलर चाहिए, और ये जो है मुझे लगता है ये मेरे सूट के साथ जो है वो अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ये कलर जो है ना ये भी इसमें रख लिया। तो चॉइसेस जो है ना वो होती हैं, और ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये ख़त्म हो गया हुआ है लगा लगा के देखें तो, लेकिन ना मेरा दिल नहीं करता कि मैं इसको ना फेंक दूँ, ये ज़रूरी मेरे से मौजूद होता है, ठीक है। बाकी फेस पाउडर वगैरह मैंने अभी नहीं रखा, अभी फ़िलहाल मैंने इतनी तैयारी की है, और रात के तकरीबन मेरे ख्याल से 11:30 का टाइम हो चुका है, बच्चों ने भी सोना है। अच्छा, और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ तो फिर रह गई, तो वो मैं दिखाने लगी हूँ। ये गिफ्ट हम लेके आए हैं, ये जहाँ पे हमने सुबह जाना है उनको हमने गिफ्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर इन डूइंग ग्रेट, वी आर सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। मामा ने कपड़े रेडी कर दिए थे और हम सुबह के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। हमारी मम्मा की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बाय बाय, लव यू ऑल। बच्चों की रिक्वेस्ट जो आपने सुन ली है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और पैकिंग वगैरह सारी जो है वो मैंने कर ली है, और सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सारी मैंने रख ली हैं, तो देखते हैं भाई हम कहाँ जाते हैं। बैग्स मेरा मुकम्मल रेडी हो गया, अब मुझे बच्चों को सुलाना है ताकि सुबह ना मुझे उठने में देर ना हो, टाइम काफ़ी हो चुका है, ज़रा घड़ी की तरफ कैमरा करना, ये देखें 11:30 का टाइम हो रहा है, और मैं 10 बजे सो जाती हूँ क्योंकि मुझे फजर में उठना होता है, तो बाकी वीडियो इंशाल्लाह सुबह के टाइम बनाऊँगी। अब मैं आपसे जो है ना वो इजाज़त लेती हूँ, और सुबह मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।